नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मीका भाटिया। हम अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो भारत में है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में सोना संपत्ति जो है छुपी हुई है। कभी कभार हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कहाँ पे सोना जो है बेशुमार खजाने जो है, एक तरीके का जो खजाना है वो कौन कौन सी जगहों पे छुपा होता है। ऐसी एक और जगह सामने आई है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शिव मंदिर कहा जा रहा है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और उसी के बारे में माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे जो संपत्ति वाला शहर जगह है, विश्व की सबसे संपत्ति वाला जो देश है अमेरिका, कहा जाता है कि उससे भी कई ज़्यादा सोना और जो संपत्ति है वहाँ पे, बेशुमार हीरे, सोना, जेवरात, वो सारे जो है शिव मंदिर यानी कि कानपुर के शिव मंदिर में है। अगर भारत को वो सोना, वो सारी चीज़ें मिल जाए तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी ठीक हो सकती है। आपको बताते हैं कि ये शिव मंदिर है कहाँ। ये शिव मंदिर कानपुर में ही है। दरअसल कानपुर के एक छोटे से घटनपुर में एक केरली गांव है, उसके पुराने मतलब बहुत ही पुराना उस केरली गांव में एक पुराना शिव मंदिर है। वहाँ की बहुत मान्यता है, वहाँ के लोगों को भी पता है कि वहाँ पर उस मंदिर के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। लोग वहाँ अक्सर जाते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, लोग वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, शिव मंदिर को वहाँ पे शिव जी को पूजते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वहाँ पे जो स्थापित शिवलिंग है वहाँ की पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन जब इंसानों को वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे खजाना छुपा हुआ है तो लोग अक्सर वहाँ पे देर रात में आते हैं। वहाँ पे लोग जो है पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो सोने की खोज में निकल जाते हैं। जी हाँ, कैसे सोने की खोज में निकलते हैं। कहा जाता है कि शिव मंदिर के नीचे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात बेशुमार हैं और वहाँ के जो जेवरात हैं, वहाँ पे जो खजाना है जो पाया जाता है, उसको ही ढूंढने के लिए लोग देर रात को निकलते हैं और मंदिर के चबूतरों को खोदने लगते हैं। वहाँ पे कई बार तो लोगों ने खोदते खोदते एक बारी वहाँ का जो खुद का स्थापित शिवलिंग है उसको भी आधा तोड़ दिया था। जो उसका ऊपरी हिस्सा था उसको तोड़कर अपने साथ ले गए। वहाँ पे अक्सर लोग आते हैं और रात के समय आते हैं और वहाँ पे काफ़ी सुनसान रहता है, तो वहाँ पे अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि लोग आ रहे हैं और वहाँ पे जो खोदने की जो कोशिश करते हैं वहाँ के चबूतरों को, उनको पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे सोना, जेवरात और चांदी है। और ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे, अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि कितना सोना वहाँ से गायब हुआ है, क्योंकि किसी को भी उसकी जो एक राशि है उसके बारे में नहीं पता है। और कहा तो ये भी जाता है कि लोग आते हैं, ये तो पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये पता ज़रूर चलता है कि वहाँ से कुछ लोग जो आए हैं, जो रात को आते हैं खोदने के लिए चबूतरों को, वो वहाँ से बहुत सारा सोना यानी कि खजाना लेके जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खजाना है वो कितनी ज़्यादा कदार में होगा, क्योंकि लोग आते हैं अक्सर रात में और खजाना ले जाते हैं। और अगर ये खजाना अगर हमें मिल जाए, अगर हम शिवलिंग वहाँ शिव मंदिर के नीचे अगर हम खजाना ढूंढने की कोशिश करें तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी इससे ठीक हो सकती है। लेकिन आपको ऐसी और हम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।